नमस्कार, न्यूज प्लस में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां जिले की नई जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार ने सोमवार सुबह जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़ का पदभार ग्रहण किया। रियार सुबह करीब 10:30 बजे जिला कलेक्ट्रेट पहुंची और 10:35 पर पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर CEO जिला परिषद अशोक आसीजा, ADM प्रतिभा देवठिया और सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी सुरेश बिस्तोई ने जिला कलेक्टर को बुके भेंट कर उनका स्वागत किया। गौरतलब है कि रुक्मणी रियार जिले की 21वीं जिला कलेक्टर है और महिला जिला कलेक्टर के रूप में जिले की दूसरी जिला कलेक्टर है। इससे पहले वर्ष 2009 में मुग्धा सिन्हा जिले में पहली महिला जिला कलेक्टर रही थी। 2012 बैच की IAS अधिकारी रुक्मणी रियार इससे पहले बूंदी और श्रीगंगानगर जिले की जिला कलेक्टर रह चुकी है। हाल ही में इनका श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर पद से तबादला हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर के पद पर हुआ था। बता दें कि मंसूरी में IAS की ट्रेनिंग के बाद रियार की राज्य में वर्ष 2014 में पहली पोस्टिंग बांसवाड़ा में सब डिविजनल ऑफिसर के पद पर हुई। उसके बाद एडिशनल कमिश्नर एंड एक्स ऑफिसियो MD TAD डूंगरपुर में CO जिला परिषद के पद पर रह चुकी हैं। इसके बाद बूंदी जिला कलेक्टर बनी, तत्पश्चात स्टेट हेल्थ एथोरेंस एजेंसी में ज्वाइंट CEO, उसके बाद रीको में एडिशनल कमिश्नर BIP एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और श्रीगंगानगर में जिला कलेक्टर पद पर रही। जो रहेगी वो सबसे पहले तो ये रहेगी कि सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उसका फ़ायदा जो है हम हर व्यक्ति को जिले में पहुंचा सकें। इससे पहले भी मैंने पेंशन हो या पालनहार हो ऐसी स्कीमें जो उन लोगों तक हम बेनिफिट दे सकें जिनको हम अभी तक बेनिफिट नहीं दे पाए, उनके लिए हमने अभियान चलाए हैं। और वही रहेगा कि यहाँ पे भी हम कोशिश करेंगे किसी भी योजना में कोई भी वंचित ना रहे। इसके अलावा शिक्षा भी एक प्राथमिकता रहेगी, क्योंकि शिक्षा में महात्मा गांधी जो स्कूल्स अभी सरकार ने लॉन्च किए हैं उसके अंदर बच्चों को इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश में बहुत अच्छा सीखने को मिल रहा है और उससे उनके अंदर एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट भी जागृत हो रही है, तो उसके ऊपर भी काम किया जाएगा। इसके अलावा क्योंकि ये एरिया गंगानगर से काफ़ी सिमिलर है और एग्रीकल्चर और इसके अंदर हमारी जो इरिगेशन है वो प्राथमिकता वहाँ भी रही है कि उसको हम किस प्रकार से, आपका जो रेगुलेशन सिस्टम है उसको हम डिजिटलाइज कर सकें, किस प्रकार से मैनुअल इंटरवेंशन को मिनिमाइज़ कर सकें, तो मैं प्रयास करूँगी कि यहाँ भी वो काम किए जाएँ।